हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर यू फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक स्विच एंड वर्किंग ऑफ टॉर्च। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आज हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चालक तथा परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, देर आर मेनी ऑब्जेक्ट डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आउट देम। देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेनी ऑब्जेक्ट होते हैं, बट देर आर अदर विच डू नॉट। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू आउट देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। देखो, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं फ्लो थ्रू आउट देम कॉल्ड कंडक्टर्स, चालक के द्वारा ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। मेटल एंड एल्कोइल ऑफ मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होती है, जो धातु होती है, और जो एल्कोइल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चालक द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे हम बात करें किसकी, कॉपर की, CU, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम किसकी, आयरन की, सिल्वर की, ठीक है, गोल्ड की, सोडियम की, एसिड्स की। वैस एंड सोल्ट सोल्यूशन आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम बोल सकते हैं कि लाइक कॉपर्स, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, एसिड्स, बेस एंड सोल्ट सोल्यूशन आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद देखो, इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू आउट डैम, जैसे वुड, पेपर्स, क्लोथ, लेदर, एपसेट और इंसुलेटर्स। देखो, आपको कोई एग्जांपल पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, तो हम बोल सकते हैं वुड, लकड़ी है, पेपर है, क्लोथ है, लेदर है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच अंतर भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के एग्जांपल, कॉपर, आयरन, सिल्वर, सोडियम, एसिड, बेस, और इसके अलावा इंसुलेटर के एग्जांपल है वुड, पेपर, क्लोथ, लेदर्स एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल है, उनमें कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ इंसुलेटर्स हैं। जैसे हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, बात करते हैं चालक की, बात करते हैं आयरन है, Fe है, इम्प्योर वाटर है, एसिड है, ग्रेफाइट है, गोल्ड है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। इसके बाद हम इंसुलेटर की बात करते हैं, ये क्या है, पेपर है, वुड है, लकड़ी है, वैक्स है, लेदर है, प्योर वाटर है, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स। अब वापस से कंडक्टर्स, स्टील है, ह्यूमन बॉडी, चारकोल है, मॉइस्चर, एयर है, बेस है, ये किस में आते हैं, कंडक्टर्स में आते हैं। इंसुलेटर की बात करें हैं रबर है, कॉटन, एल्कोहल, ड्राई एयर, ग्रास और एबिस्टर्स। तो हम आइडेंटिफाई इन एग्जांपल के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। देखो, इसके बाद देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होते हैं किससे, इलेक्ट्रिक करंट के। वॉट एवर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट थ्रू आउट ए वायर टू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इंटू हीट। वोट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू आउट होता है किसके द्वारा, वायर के द्वारा, तो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कवर टू हीट। देखो, दिस इज ड्यू टू द रीजन डेट द मेटेरियल्स विच द वायर इज मेड अप ऑफ है सम रेजिस्टेंस विच इन टर्न प्रोडक्ट्स हीट। द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नली यूज टू मेक होम एप्लीकेंस प्रोड्यूस मोर हीटिंग पावर एंड हीटर टॉर्चर इलेक्ट्रिक आयरन। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हीट। इसके बाद देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज टू डिजाइन फ्यूज वायर वन लार्ज करंट इज ड्रो द वायर मेटल्स ब्रेकिंग द सर्कुलेशन द एप्लीकेशन इज सेव फ्रॉम द कैचिंग फायर। अब देखो, इसमें बात करते हैं किसकी, नेम फाइव इंसुलेटर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी पांच इंसुलेटर्स के नाम बताए हैं, इसके एग्जांपल बताते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे पेपर है, क्या है, पेपर है, इसके अलावा वुड है, लकड़ी है, वैक्स है, लेदर है, ग्रास है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर।
अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, नेम फाइव कंडक्टर्स के नाम बताने हैं, जैसे आयरन है, स्टील है, एसिड है, गोल्ड है, बेस है, चारकोल है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। व्हाट आर द इंसुलेटर, व्हाट आर द कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देर आर यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज टू एस, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या क्या यूजेज होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हार्डर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ एप्लीकेंस वाइल और हैंड और वेट। सेकेंड पॉइंट हमारा, वी शुड वियर रबर स्लीपर्स वाइल यूजिंग एप्लीकेंस। एवरी हाउस मस्ट हैव अर्थ फिटिंग एंड अर्थ फिटिंग हेल्प इन सेविंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक एंड इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस द अर्थ वायर मे कनेक्ट विद द बॉडी ऑफ द एप्लीकेंस। इन केस देर आर लार्ज करंट इन द बॉडी ऑफ द एप्लीकेंस इट गोज थ्रू आउट द अर्थ वायर टू डीप इनसाइड अर्थ एंड पर्सन प्रोटेक्ट ऑफ द रिसीविंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक। फ्यूज एंड अनदर सेफ्टी डिवाइस विच प्रोडक्ट अगेंस्ट एनी चेंजेज डेट माइट बी कोजेज ड्यू टू अवर फ्लो ऑफ द करंट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक आर द करंट सप्लाई। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट द स्पीड एट लाइट मोर देन 18,16,000 मिलियंस पर सेकेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ईजिएस्ट पाथ ऑफ द ग्राउंड। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड फ्रॉम द वाइंड वाटर सन एंड इवन एनिमल्स पूप। द फर्स्ट पावर प्लांट्स दिस ओन बाय द थॉमस एडिशन ओपन इन न्यूयॉर्क, ठीक है, इन सिटी 1882। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देखो इलेक्ट्रिक करंट्स की कुछ की वर्ड्स हैं वो भी देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज ए पाथ थ्रू आउट विद द करंट फॉलोज। कंडक्टर्स की बात करते हैं, सब्सटेंस डेट अलाउड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू आउट इट। इंसुलेटर की बात करते हैं, सब्सटेंस डेट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आउट इट। सेल क्या होती है, ए सेल इज डिवाइस विच कवर्स केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिलामेंट क्या होते हैं, ए थिन कोयल इनसाइड द बल्ब दैट ग्लो। स्टूडेंट्स कुछ कीवर्ड्स हैं इनके बारे में हमने ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ लिया है। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या रीड आउट किया है। देखो, एन इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड्स। देखो जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्स। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज अब द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप वर्किंग टू ऑब्टेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द करंट ए पोटेंशियल डिफरेंसेज नीड टू बी द मेंटेन इन द सर्किट्स। ए सेल इज ए डिवाइस डेट मेंटेन्स इन द पोटेंशियल डिफरेंसेज बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स बाय द कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। हमने पढ़ा था कि ऑलवेज जो करंट होता है वो फ्लो होता है किसमें, पॉजिटिव से नेगेटिव में, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होता है। एंड व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड टू द बल्ब इट्स ग्लो द पाथ अलोंग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देर आर थ्री बेसिक कंडीशंस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ए डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट ए वायर मेड ऑफ मेटल्स विच विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू आउट ईजली। एन अनब्रोकन लूप रनिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सोर्सेज टू अनादर टर्मिनल। स्विच इज ए डिवाइस यूज टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। जो स्विच होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, लाइट को ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाला वो कंप्लीट कर लिया है। हम अगली वीडियो में आपके इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उनको
फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।